कायस्थ समाज के कुल देवता चित्रगुप्त भगवान का कायस्थ समाज के लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। कुछ लोगों ने अपने घरों में तो कुछ जगहों पर सार्वजनिक रूप से पूजा अर्चना की गई। पक्षीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में सार्वजनिक रूप से कलम दवात के साथ भगवान चित्रगुप्त की आराधना की गई तथा कायस्थ समाज के लोगों ने अपने कुल देवता को नमन किया। इसके बाद सामूहिक रूप से हवन और महाआरती का कार्यक्रम भक्ति पूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। सभी लोगों के बीच महाप्रसाद का वितरण हुआ। ऐसी मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित से हुआ था। भगवान चित्रगुप्त को देवताओं के लेखपाल और यम के सहायक के रूप में पूजा जाता है। भगवान चित्रगुप्त मुख्य रूप से लेखा जोखा रखने का कार्य करते हैं, इसलिए इनका मुख्य कार्य लेखनी कलम दवात से जोड़कर देखा जाता है। वैसे तो कायस्थ समाज के लोगों को भगवान चित्रगुप्त का वंशज माना जाता है। इसी वजह से कायस्थ परिवार के लोग भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन और उनके साथ कलम दवात का पूजन इस दिन विशेष रूप से करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विनीत श्रीवास्तव, चित्रगुप्त मंदिर के मंत्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव और नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा। अंदर एकदम श्री चित्रगुप्त भगवान का पर्व है। ये कायस्थ जाति के लोग कलम दवात की पूजा करते हैं और यम द्वितीया का पर्व है। चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव मंत्री हैं चित्रगुप्त मंदिर सभा के। ये किस तरह का पर्व मनाया जा रहा है? ये हम लोग के आराध्य भगवान चित्रगुप्त जी हैं, उनके का पूजन है ये। और पूरा चित्रांश परिवार जो है, पूरे संसार का, पूरे देश का, पूरे महानगर का इसको बहुत उत्साह साथ मनाता है। और उनका जो है, उन्हीं के श्रद्धा और आशीर्वाद से चित्रांश परिवार का विकास होता है, ये हम लोग का मानना है। मैं चित्रगुप्त मंदिर सभा अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव, आज यम द्वितीया कलम दवात की पूजा में यहाँ सपरिवार सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और हर वर्ष की तरह इस बार काफ़ी लोगों की संख्या रही और उत्साह वर्धन काफ़ी रहा लोगों का, जिसमें हमारे अपर जिला जज श्री जे पी श्रीवास्तव साहब भी मुख्य यजमान बने और उन्होंने अपना समय दिया, उसके लिए हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे मंत्री जी से बात करिए। आज के दिन कितने लोगों की तभी भीड़ होती है? कितने लोग आते हैं यहाँ आज के दिन? आज के दिन हमारे यहाँ कम से कम 1000 लोग आते हैं और उनके प्रसाद की वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। पुनः हम लोगों का प्रोग्राम जो महासम्मेलन महा वो आरती का है वो 11 तारीख को है। क्या नाम है? चित्रगुप्त मंदिर महासभा में ही महाआरती का प्रोग्राम है और एनुअल फंक्शन है,
वो 11 तारीख को है और उसमें सारे लोग आमंत्रित आते हैं, सारी समितियां, शहर के जितने कायस्थ परिवार सारे लोग आमंत्रण में रहते हैं। हम सभी चित्रगुप्त महाराज जी के पूजा के अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष इकट्ठे होते हैं। चित्रगुप्त महाराज जी का साक्षात ब्रह्मा जी के से जन्म हुआ था, उनका निर्माण हुआ था, उनकी काया से निकले थे और दुनिया के सभी कार्यों का लेखा जोखा उनके पुण्य और पाप के हिसाब किताब यमराज महाराज सब चित्रगुप्त महाराज के माध्यम से करते हैं। शहर के और देश के जितने चित्रांश बंधु होते हैं, विभिन्न गोत्रों में बटे हुए, ये सभी चित्रगुप्त महाराज के वंशज माने जाते हैं और वास्तव में ये उनके वंशज जरूर हैं, लेकिन चित्रगुप्त महाराज तो सबके भगवान होते हैं, समस्त हिंदुओं के आराध्य होते हैं और इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं उनको अपना सादर सम्मान प्रकट करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और यह शपथ लेने के लिए कि यथासंभव हम जो इस परमपिता परमेश्वर ने जीवन के नियम बनाए हैं, हम उन जीवन के नियमों का पालन करेंगे।